यहाँ पे कक्षा 11 के कृषि संकाय, जी हाँ, एग्रीकल्चर वाले सभी छात्र और छात्राएं ध्यान देंगे। देखिए, आप सभी के लगातार डिमांड आ रही थी कि सर जो है हमारा कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसको जो है आप PCMB भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, PCMB, तो इसका जो है फुल पेपर हमें बता दीजिए ताकि कल जो है एग्ज़ाम में हम जो है अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तैयारी नहीं हो पाई तो देखिए संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे, एक नमूना प्रश्न पत्र है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो अगर आपको देखिएगा सी और डी कोई सा भी, जी हाँ, सी या फिर डी या फिर ई कोई सा भी जो है आपको सेट मिलता है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिए अपन जो है आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप जो है निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिएगा प्रश्न क्रमांक एक जो हमें दिया गया है उसको हम जो है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक एक में जो है हमसे सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, द्रव का द्रव में बना कोलाइडी तंत्र कहलाता है, तो ये जो है पायस कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पायस। तो आप जो है डी नंबर वाला ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है, द्रव का द्रव में मिला हुआ जो विलेय है ये क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। तो पहले का उत्तर जो है आप डी नंबर वाला लगा लेंगे, पायस, ठीक है। दूसरा दिया गया है, मध्य प्रदेश में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है यूरिया आप सभी जानते होंगे इसका जो निर्माण है वो मध्य प्रदेश के विजयपुर जो कि आपके गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। आंतरिक सूचक का उदाहरण क्या है, तो आंतरिक सूचक का उदाहरण है आपका पोटेशियम जो है फेरिसनाइड, ठीक है, फेरिसनाइड। इसके बाद जो है मूसला जड़ तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो मूसला जड़ तंत्र जो है वो सरसों में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, सरसों में। इसके बाद जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो जंतु कोशिका में जो है क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता, ठीक है। इसके बाद है पुर्तगाली लड़ाकू कहलाता है, तो पुर्तगाली लड़ाकू जो है आपका फाइसेलिया कहलाता है। CPU कंप्यूटर का क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, मस्तिष्क। तो इसमें जो है आप मस्तिष्क भरेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका NaOH का तुल्यांकी भार है, तो ये जो है आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, NaOH का तुल्यांकी भार। SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का मात्रक जो है SI पद्धति में वो जूल होता है, ठीक है, क्या होता है, जूल। पौधों में बोरान तत्व की कमी से कोशिका विभाजन जो है वो रूख कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रूख। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, रूख विभाजन जो है वो रुक जाता है, ठीक है, क्या होता है, पौधों में बोरान तत्व की कमी से कोशिका में विभाजन जो है रुक जाता है। सिनेवार अयस्क से जो है वो मरकरी या फिर पारा कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पारा। पारा धातु का जो है निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, सिनेवार अयस्क से पारा धातु का निष्कर्षण किया। कैचुए का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो कैचुए का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका फेरिटेमा, ठीक है, कैचुए का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, फेरिटेमा पास्थमा, ठीक है, पेरिटमा पास्थमा, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो है सही जोड़ियों का मिलान करना था, तो यहाँ से देखिएगा सही जोड़ियों में आपको किस प्रकार से मिलान करना है। पहला दिया गया है एरोसाल, ठीक है, तो इसका जो मिलान है आप धुआं से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है रक्त, तो रक्त जो है वो प्राकृतिक कोलाइड है। इसके बाद जो है मोलरता, तो मोलरता जो है एक लीटर विलयन में विलेय का मोल जो है वो मोलरता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आयतन, तो आयतन जो है आपका वो आयतन जो है पिपेट से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है प्रबल क्षार, तो लास्ट जो आपका बचा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न क्रमांक तीन करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चार की ओर। प्रश्न क्रमांक चार जो है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है, तो पहला जो दिया गया है राइबोसोम की किसने खोज की, तो ये जो है पैलेड ने की थी, किसने, पैलेड ने की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पादप कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये जो है सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है, किससे, सेलुलोज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खुला परितंत्र जो है किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, तो ये जो है मोलस्का, ठीक है, किस में, मोलस्का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैम का पूरा नाम, तो ये जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, रैंडम, RANDOM, ठीक है, ACCESS मेमोरी, MEMORY, ठीक है, मेमोरी। इसके बाद है माउस में कितने बटन होते हैं, तो माउस में जो है दो या तीन बटन होते हैं, ठीक है, दो या तीन।
इसके बाद है सत्य सत्य। तो सत्य सत्य में देखिएगा, गुरुत्वीय बल का मान ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, न्यूनतम नहीं होता। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सांद्रता की इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका धुआं एक एरोसॉल तंत्र है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका केल्विन पैमाने पर जो है ऋणात्मकता का ऋणात्मक ताप संभव नहीं है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम होने पर वह अयस्क कहलाता है, तो ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको एक एक नंबर वाले सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसके बाद जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे डाउनलोड करने हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर जो है आप गूगल पे लिखेंगे www.studynotespj.com, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के लिए दिख रहा होगा आपको। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबर जो है आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और जो है यहाँ पे लिखेंगे www.studynotespj.com, ठीक है। studynotespj.com जैसे ही आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, एमपी बोर्ड देखेगा और यहाँ पे देखिए क्लास 11 PCMB वार्षिक पेपर PDF दिख रहा होगा, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप संपूर्ण पेपर देख पाएंगे और सॉल्यूशन के PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे आना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके आपका टाइमर चलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा टाइमर। तब तक जो है टाइमर चल रहा है तब तक जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। 6 द्रव्यमान ताप एवं समय के SI पद्धति में मात्रक एवं संकेत लिखिए, ठीक है, और अथवा में घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की परिभाषा। साधारण बैरोमीटर तथा 14 बैरोमीटर में दो अंतर, अथवा में है वायुमंडलीय पारा ही क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप जो है डाउनलोड बटन आ चुका है, इस पर हम जो क्लिक करेंगे जीमेल आईडी चूज करेंगे और यहाँ से देखिए आप संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक जो है हमें एक दिया गया है, क्या दिया गया है, द्रव्यमान ताप तथा समय के SI मात्रक संकेत में आपको बताने थे। तो यहाँ से देखिए आप द्रव्यमान का SI मात्रक जो है वो होता है किलोमीटर और इसका संकेत होता है KG, ठीक है। दूसरा है आपका समय या ताप, तो ताप का जो है क्या होता है केल्विन होता है, ठीक है, और इसका जो संकेत है वो K होता है। और तीसरा है आपका समय, तो समय देखिए समय का जो है आपका सेकंड होता है और इसका S जो है संकेत होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको करना था। सातवें का अथवा देखेंगे, अथवा में क्या है वायुमंडलीय दाब में पारा ही क्यों लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए वायुमंडलीय दाब में जो है पारा ही क्यों लिया जाता है, इसका आंसर जो है आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आठवां की ओर, घर्षण के नियम लिखने हैं, ठीक है। तो घर्षण के नियम आप यहाँ से देख लीजिए आठवां का उत्तर। इसके बाद नौवां की तरफ बढ़ेंगे, लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं और अथवा देखेंगे इसका घर्षण को कम करने के प्रमुख दो उपाय। तो घर्षण को कम करने के जो है प्रमुख दो उपाय आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका सीमांत घर्षण के दो नियम, ठीक है। तो नौमा का देख सकते हैं आप, सीमांत घर्षण के दो नियम आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है दसवां देखेंगे, दसवां में दिया गया है उत्तोलक किसे कहते हैं और मशीन की दक्षता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक किसे कहते हैं वाला आप जो है आंसर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है उत्तोलक किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जो है पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हार्डी सोल्जे का जो है नियम लिखना है, तो यहाँ से आप जो है हार्डी सोल्जे का नियम लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा हार्डी सोल्जे का नियम, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, देखिएगा द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप लिख लीजिए, द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप देख लीजिए, अथवा वाला है ये, ठीक है, अथवा है आपका ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक क्यों होता है बताना था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 14वां क्वेश्चन है आपका, चौदवा क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक बंध में अंतर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक बंध में अंतर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका 15वां, कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली किन्हीं 6 संरचनाओं के नाम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली किन्हीं 6 संरचनाओं के नाम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए आप कंपोजी
कुल के जो है विशिष्ट लक्षण, तो ये जो है विशिष्ट लक्षण आप देख सकते हैं, कंपोजिटी कुल के विशिष्ट लक्षण, ठीक है, नोट कर लें। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका पादप जगत में वर्गीकरण के महत्व को बताना है, तो पादप जगत में जो है वर्गीकरण के महत्व को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 19वां, कैथोड किरणों के प्रमुख चार गुण लिखने हैं, तो यहाँ से देखिए आप कैथोड किरणों के प्रमुख चार गुण आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 20वां, स्वपरागण, 19वां स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, तो यहाँ से स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 20वां आपका देखिएगा संघ आर्थ्रोपोड के पांच लक्षण आपको बताने हैं, या फिर वर्ग इंसेक्टा के कोई पांच विशेषता है। तो विद्यार्थी कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन पेपर की वीडियो पसंद आई होगी। www.studynotespj.com पर जाकर के आप जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।